आपको जिस स्थान पर बैठे हैं, जिन्हों का एक आसरा लेके जिन्हों के आशीर्वाद के नाल आप सारे कार्य तो अपने हाथ आरंभ करते हैं। धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज, तुम जानते हो कि उन्होंने ज्यादा समा इस धरती पर बिताया, इस जगह पर बिताया। इस जगह के उपर जो धुआं बाबा श्री चंद भगवान जी ने लाया हुआ सी, उस धुएं के उपर माता हरो जो सेवा किया करती सी, हर रोज मीह आता, वाह आती, गर्मी होंगी, सर्दी होंगी, उस माता ने हर रोज आके धुएं की सेवा करनी सी, धुएं के लकड़ा ला देनी। हर रोज देखते बाबा श्री चंद जी एक दिन खुश हो गए उन्होंने भगती तो उन्होंने सेवा तो, खुश होकर माता हरों को वर दिता। एक दिन आए हुए सी रंग दे विच, माता जी ने वर भी दिता, कहते चल माई तू हरी भरी हो जा, बहुत सेवा होगी तेरी। ते माता जी अगों विधवा सन, तो उन्होंने हाथ जोड़े कि बाबा जी ये वर तुम मैं गलत दे दिता। पर बाबा श्री चंद जी जाने जा, क्योंकि कहावा माता हर दस मूह सी, कहावा कदम मूह से वर्ता इतने की जी लागे की संगत है उन्होंने बख्शिश करनी सी, उन्होंने देनी सी। तो कह लगे ठीक है माता, जो तू नहीं तो धुएं तो जाती हुई लकड़ कटी, तो वह लकड़ धरती के गड के कहा कि लै जेकर माता तू नहीं तो लै तू ही हरी भरी हो जाती है, जोड़ा होर का विक्ष है वह धुएं तो चक्री हुई लकड़ जी बाबा जी ने लाई सी, वो अच हरिया भरया रुखा सजनो। तो बाबा जी ने उस समय वचन किया कि ठीक है माता जी मैं वचन करता तेरी भगती तो, तेरी सेवा तो खुश होके कि जोड़ा इस धुएं की सेवा करूगा उन्हें माता दियाँ भुखा हरिया होने घर दुख ने उन्होंने घर दुख होया करे, जिन्हों के घर दुख ने उन्होंने दुख होया करे। जो इस धुएं से आके इस बोहत से आके इस स्थान से आके शरदा के नाल सेवा किया करूगा, उतों मन मंगिया मुरादा पा के आया करूगा। बाबा श्री चंद भगवान जी ने वचन अज भी इतने साक्षात उन्हें जुकर पूरे होंगे सजनों, जोड़ा इस धुएं पर आके इस स्थान पर आके शरदा के नाल सेवा करता है कि वह तो मन मंगिया जो मुरादा वो पा के जाए। सो इस स्थान की बड़ी महत्वता है, इतनी वो ही साहब है जो बाबा श्री चंद भगवान जी ने मिठा जमे ठोकर दिया, ऐसी वो चौरासी सिद्धा सी जिन्होंने नाल दोस्ती हुई। दोस्ती होने तो बाद जिहड़ा बाबा श्री चंद ने प्रश्न उत्तर जो मात्रा साहब साडे उदासी भेट का ग्रंथ है, साडे उदासी भेट भी जिन्हों साडा उदासी जिहड़ा संत है रोज नितनेम मात्रा साहब का जिहड़ा उच्चारण करदा पढ़दा दा सिमरन करदा है, तो उहदे विच सारियां जिहड़ियां सिद्धियां ने, तो उह जिहड़ी मात्रा साहब का उच्चारण है उह भी तुहाडे पवित्र स्थान इस पवित्र धरती ते उच्चारण कीता गया सी। ते मात्रा साहब इत्थी बाबा श्री चंद भगवान जी ने उच्चारण करके उन्हें वासी भेद को समर्पण किया। तो स्थान ऐसा इतिहासक ऐसी होंद है कि इतों का जिड़िया मिसालों ने मैं तुम्हें की दसा कि इतने की चमत्कार बाबा श्री चंद भगवान जी ने दिखाए, जोड़े कि कौतक उन्होंने इतने दर्शाए वो साढ़े वासा की समझ उदाहरण है। तो तुम थोड़े इलाके हो, तुहाडे कर्म वाले तुसीं वड्डे भागां वाले हो कि तुहानूं इस स्थान के उपर तुहानूं इस इलाके विच जन्म मिलिया, तुहानूं हर रोज जाके बाबा जी दे स्थान ते मत्था टेकण दा नमस्कार करन दा जिहड़ा सुभागा समां प्राप्त हुंदा। उस तों वी सोहणे ते सहागे वाली गल है कि तुहानूं जिथे एडा सोहणा स्थान एडा पवित्र स्थान की सेवा तुहाडी संगत नूं मिली है, उत्थे साडे भेद के उदास भेद के बहुत ज्यादा हीर है, बड़े कीमती कीमती हीर है। उस भेद के साडा बड़ा कीमती हीरा मत तिलक राम जी तिलक दास जी के रूप के साडे उदास भेद ने बख्शिश की, इस स्थान की सेवा सदाई। सजणो प्रत्यक्ष उदाहरण की जरूरत नहीं, तुसीं मेरे को वध जानते हो कि जो बाबा इस नानक चक की धरती का जिहड़ा कार्य कर जो सेवा जो मनप्रीतदास जी ने संभाई की, उस तों बाद उन्होंने इन्नी मेहनत इन्ना उदम इन्नी
उन्होंने प्रशर्म किया संगत लेके संगत में जोड़ के इस स्थान की काया कल्पी बनी थी। बड़ा उन्होंने हर जो इतने कदों भी आने तो छह महीनों बाद चक्कर बजे तो साल बाद डेढ़ा बजे जब उन्होंने मन से कोई ना कोई कार्य दसते हैं कि स्वर पार कर दिया कोई ना कोई नवी कि करते हैं इन्होंने छत्री छुट्टी अगर दूर भजन करने वास्ते सिमरत करने वास्ते सारा कुछ जो कर रहे हैं कि दे लिए तो जो सारी संगत इस स्थान न जुड़ी है इस जगह न जुड़ी है इस बाबा श्री चंद के चरणों से जुड़ी है उन्होंने आने के लिए उन्होंने रहने के लिए उन्होंने खान पीन के लिए उन्होंने सिमरत के लिए उन्होंने घड़िया दो घड़िया से वकील करने के लिए कोई परेशानी ना हो कोई दिक्कत ना आए दिन रात संगत की सेवा के लगे रहते हैं। सो परिवार बाबा श्री चंद जी इन्होंने भी बधाई बख्शन ऐसे कई होर भी इस स्थान की चढ़ती कला कार्य करते रहे। भाई पुत्र बेहतर है क्योंकि